नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षय वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या। नागपुर के राणा प्रताप नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि शव मंगलवार देर रात सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे मिला। मृतक की पहचान जैताला निवासी 26 वर्षीय संघर्ष मेश्राम के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में जैताला निवासी 20 वर्षीय शुभम उर्फ बॉबी सुख सागर साहू और 24 वर्षीय शाहरुस पटेल मोहम्मद कुर्बान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पिछले महीने संघर्ष के एक दोस्त का शुभम के भाई से झगड़ा हो गया था। संघर्ष ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था और दोस्त के साथ घूमता रहता था। तभी से शुभम संघर्ष को सबक सिखाने की कोशिश में लगा रहता था। मंगलवार की शाम शुभम और शाहरुस ने शराब का सेवन किया। वे संघर्ष को पकड़कर जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे झाड़ियों में लेकर चले गए। आरोपी ने संघर्ष के अपने दोस्त को फोन करने को कहा, जिसने शुभम के भाई के साथ मारपीट की थी। संघर्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने फिर संघर्ष को दबोच लिया और उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से तुरंत फरार हो गए। हत्या का खुलासा तब हुआ जब एक राहगीर ने शव को देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और आम्बाजरी और प्रताप नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राणा प्रताप नगर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। राणा प्रताप नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि शव मंगलवार देर रात सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे मिला। मृतक की पहचान जैताला निवासी उम्र 26 वर्ष संघर्ष मेश्राम के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में जैताला निवासी 20 वर्षीय शुभम उर्फ बॉबी सुखसागर साहू और शाहरूम पटेल उम्र 24 वर्ष मोहम्मद कुर्बान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिछले महीने संघर्ष के एक दोस्त का शुभम के भाई से झगड़ा हो गया था। संघर्ष ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था और दोस्त के साथ घूमता रहा था। तभी से शुभम संघर्ष को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। मंगलवार की शाम शुभम और शाहरूम ने शराब का सेवन किया। वे संघर्ष को पकड़कर जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे झाड़ियों में चले गए। आरोपी ने संघर्ष से अपने दोस्त को फोन करने को कहा, जिसने शुभम के भाई के साथ मारपीट की थी। संघर्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने फिर संघर्ष को पकड़ लिया और उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हत्या का खुलासा तब हुआ जब एक राहगीर ने शव को देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अम्बाझरी और प्रताप नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राणा प्रताप नगर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।